हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 करेंगे, डू द राइट। बच्चों, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इसी के बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, ओके। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपके पास बच्चों ये बुक होगी, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बुक होगी आपके पास ये। आप इसे ओपन करेंगे और पेज नंबर 16 पे आएंगे। कहाँ पर? पेज नंबर 16 पर। और बच्चों, मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ा दिया था, ये पैराग्राफ मैंने आपको बच्चों पढ़ा दिया था। क्या लिखा था इसमें? रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है, लिखा हुआ फॉर ही इज ट्रू हु डज हिज बेस्ट, ठीक है, एंड मेक द राइट हिज एम। दे ट्राई टू डू द राइट बॉयज एंड विन ए गुड मैंस नेम। बच्चों, ये सारी बात हम लोग कर चुके थे, फिर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप फिर से पिछले वीडियो पे जाके इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैं केवल वही कराऊंगा आज, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, ब्लू ब्लू कलर से लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर ऐसे करके पॉइंट बना के लिखा हुआ है, फ्रॉम द एबव लाइन्स राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग। आपने इस पैसेज को पढ़ लिया है और आपको साइट का वर्ड ऐसे लिख लो, वर्ड राइम, आर एच वाई एम, राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन खुद लिखना है, फ्रॉम द एबव लाइंस। अगर आप बुक में लिख रहे हैं तो बुक में काम चला लीजिए, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन खुद लिखना है। ये वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम द एबव लाइंस, देखा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को आपको राइट करना है, इसी को आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। बस समझ में आ गया आपके? तो चलो बच्चों लिखते हैं। लिखा हुआ साइट, क्या लिखा हुआ है? साइट, एस आई जी एच टी, साइट लिखा हुआ है। गेम लिखा हुआ है, जी ए एम ई, गेम। थर्ड है चिन्ह, सी एच आई एन, चिन्ह। ये चिन्ह नहीं है, चिन्ह है चिन्ह, इसी को बोलते हो चिन्ह, ठीक है। साइट, साइट का बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें साइट का इसमें राइमिंग वर्ड क्या हुआ। राइमिंग वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे जो जैसे उसको बोला जाता है वैसे दूसरे वर्ड को भी बोला जाए, ठीक है। अभी समझ में आएगा। साइट, साइट का बच्चों मुझे यहाँ पर दिख रहा है, साइट का राइट क्या हो जाएगा? साइट का राइट, साइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा बच्चों? R I G H T, राइट। राइट मतलब सही होता है, साइट मतलब दृश्य होता है। फिर बच्चों लिखा हुआ गेम, गेम का क्या दिख रहा है मुझे? एम। गेम का मुझे क्या दिख रहा है बच्चों? एम, A I M, गेम, एम, एक साथ राइम कर रहा है। चिन्ह, चिन्ह का क्या हुआ बच्चों? चिन्ह, C H I N, चिन्ह। देखते बच्चों चिन्ह का, चिन्ह का बच्चों, सर बच्चों ये चिन्ह, चिन्ह तो इसमें है नहीं फिलहाल, चलो ठीक है। चिन्ह का विन हो जाएगा, विन, विन। चिन्ह का कैसा सुनने में आ रहा है? विन में, चिन्ह विन, चिन्ह विन, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। क्या था ये लाइन था कि फ्रॉम द एबव लाइन, जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसको पढ़िए और उसमें जो राइमिंग वर्ड है इन सब के उनको राइट कर दीजिए। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा साइट, साइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? राइट, साइट राइट, साइट राइट, साइट राइट, सुनने में एक जैसा लग रहा है बोलने में। गेम, गेम का क्या होगा? एम, गेम का एम, गेम का एम, ठीक है। चिन्ह का विन, चिन्ह का क्या होगा? विन, चिन्ह का क्या होगा? विन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। आ जाओ,
उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ब्लू ब्लू पेन से वो भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। मैं फिर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अच्छा लिख देता हूँ, चलो राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये लिखा हुआ एम, एम, फिर लिखा हुआ विन, एम और विन लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है बच्चों देखो, जैसे आपका एम क्या होगा, आपका एम होगा कि हम पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, या फिर पुलिस बने, या फिर डीएम बने, कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं आपका गोल, क्या बोलते हैं, गोल या फिर एम, ठीक है। मतलब कि कोई काम आप जिस वजह से कर रहे होते हैं उसको उसका एम बोला जाता है। एम का मतलब होता है बच्चों गोल, क्या होता है बच्चों गोल, एम का मतलब क्या होगा बच्चों गोल, गोल का मतलब क्या हो गया, गोल मतलब जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं। आप पढ़ क्यों रहे हैं, पास होने के लिए, नौकरी करने के लिए। आपके पिताजी क्यों कमा रहे हैं, क्यों काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को जिलाना है, उनका एम वही है, ठीक है। विन, विन का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों देखो विन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई दो लोग मतलब खेल रहे हैं, मान लो दो लोग खेल रहे हैं, एक फर्स्ट नंबर है एक सेकेंड नंबर है, ऐसे नहीं, एक ए है और एक बी है, मान लो दो पर्सन है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई दोनों में कंपटीशन हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो एक ना एक तो जीतेगा इसमें से, एक ना एक तो विन करेगा, एक फर्स्ट नंबर पे आएगा और एक सेकंड नंबर पे आएगा, तो जो फर्स्ट नंबर पे आया वो जीत गया। ऐसे ही बच्चों मान लो थ्री पर्सन्स है, सी, सी भी आ गया इसमें, तो अब इन तीन में कोई कंपटीशन हो गया, कोई दौड़ने का मान लो कंपटीशन हो गया, तो कोई फर्स्ट नंबर पे आएगा, कोई सेकंड नंबर पे आएगा, कोई थर्ड नंबर पे आएगा, पता थोड़ी ना कौन आएगा, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो कौन होगा, विजेता होगा, विनर होगा, जीत जाएगा वो, ठीक है। तो विन का मतलब होता है कि किसी कंपटीशन में टॉप पोजीशन पर रहना, ठीक है, किसी कंपटीशन में टॉप पोजीशन पर रहने को ही क्या बोलेंगे, विन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन टू बी एट द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन इन अ कंपटीशन, किसी कंपटीशन में पहले स्थान पर रहने को विन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विन, जीत, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को हल्का दिख रहा होगा, ब्लू मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे, अब मैं नेक्स्ट टाइम से बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया होगा। हो गया ना बच्चों, मिटा दो इन्हें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों, धीरे 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 एक बात को मेरी आप समझते जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी कर देने से आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, क्वेश्चन नंबर बी लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। क्या है, लेट्स नोबली स्टैंड बाई, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, लेट्स नोबली स्टैंड बाई, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, आगे फिल करना है, ठीक है, यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट है एंड फॉर इट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट है दे ट्राई टू डू डॉट, ठीक है, फिल करना है। एंड विन अ डॉट, फिल करना है बच्चों, ठीक है। तो चलो हम
जो फिल कर रहा है मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का चल रहा है, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये सब है क्या, ये आपके पोएम ही है। अब पोएम को कुछ पार्ट लिख के अगला पार्ट छोड़ दिया गया है, तो उन्हें आप कंप्लीट कर लेते हैं। चलो हम लिख लेते हैं, लिखा है लेट्स नोबली स्टैंड बाई। थर्ड लाइन में लिखा व्हाट इज ट्रू, लिखा हुआ व्हाट इज ट्रू, व्हाट WHAT व्हाट इज ट्रू। चलो हम दो खड़े होते हैं जो सत्य है उसके साथ, सत्य के साथ खड़े रहते हैं, चलो ठीक है। यही इसका मतलब, लेट्स, ये आपके बुक में दिया हुआ था, ये मैंने आपको इसका आंसर लिखवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंड फॉर इट, एंड फॉर इट अगली लाइन में लिखा हुआ है बोल्डली फाइट, एंड फॉर इट बोल्डली, BOLDLY बोल्डली फाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, फाइट, एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, और इसके लिए लड़ा जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों दे ट्राई टू डू द राइट, आगे लिखा बच्चों द राइट कॉमा बॉयज फिर कॉमा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एंड विन ए गुड मैंस नेम, और एक अच्छे आदमी का नाम जीतो, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इन्हें आप एज इट इज राइट करेंगे, जैसे ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। चलो बच्चों ये नोट हो गया होगा आपका, मैंने डिलीट कर देता हूँ। चलो आ जाओ देख लो, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी देखना इधर बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैच द वर्ड्स with their correct meanings, ये बच्चों का क्वेश्चन है। चलो बच्चों लिख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ फर्स्ट में नोबली NOBLY नोबली, बोल्डली BOLDLY बोल्डली, aim, नेक्स्ट है win, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल, SUCCESS सक्सेसफुल इन अ कंपटीशन, कंपटीशन की स्पेलिंग याद रखना बच्चों, कंपटीशन की स्पेलिंग याद रखना, बी लिखा हुआ है गोल GOAL गोल, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ बच्चों OPENLY ओपनली, या फिर करेजियसली COURAGEOUSLY करेजियसली, जस्टली फिफ्थ है डी है जस्टली JUSTLY जस्टली, ठीक है। देखो आ जाओ, लिखा हुआ है इन सभी वर्ड्स को बच्चों में मैच करना है, ठीक है। नोबली का क्या मतलब होता है, ठीक है, बोल्डली का क्या मतलब होता है, एम का क्या मतलब होता है, विन का क्या मतलब होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आ जाओ
नोबली का क्या मतलब होता है बच्चों? नोबली का मतलब होता है जस्टली, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल्डली का मतलब क्या होता है? ओपनली, बिना किसी डर के। तो बोल्डली का मतलब बच्चों ओपनली, बोल्डली का मतलब ओपनली या करेजियसली, मतलब साहस के साथ, उसी को बोलेंगे बोल्डली, ठीक है। एम का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि किसी कंपटीशन में जब कई सारे लोग हों तो उनमें अगर आप जीत जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं, अरे सॉरी, उसे विन बोलते हैं। एम का मतलब होता है गोल, पहले आप इसको मिला लीजिए गोल। और विन का क्या मतलब होता है मैंने आपको अभी बताया था आज, ठीक है। तो जो बहुत आसान था, कुछ था नहीं, बस आपको समझने वाली बात थी, सारे मीनिंग आपको पहले ही करा दिए गए थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। चलो देखो, लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब कि जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको आपका आंसर लिखना है। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी फाइट फॉर ट्रू, क्या हमें सत्य के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर लिखेंगे। तो बताओ बच्चों, हमें सत्य के साथ रहना चाहिए, नहीं चाहिए? अगर कोई सही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हाँ आप सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना यस, लिख लेना यस, यस कॉमा वी शुड फाइट फॉर ट्रू, यस वी शुड फाइट फॉर ट्रू, हाँ हमें सत्य के लिए लड़ना चाहिए, हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। नोट हो गया बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू देखो लिखा, हु इज ट्रू, हु इज, बच्चों डब्ल्यू को ऐसा बोला, हु इज ट्रू, टी आर यू ई, अकॉर्डिंग टू पोयम, पोयम के अनुसार सही कौन है, पोयम के अनुसार सही कौन है, इसका आंसर लिख लो। पोयम के अनुसार सही कौन है, मतलब कि इस पोयम में सही कौन बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, अब इसमें मैंने आपको बताया था क्या, वन हु डज
हिज बेस्ट बेस्ट एंड मेक्स मेक्स हिज एम राइट हिज एम मेक्स ए राइट एम ऐसे लिखा राइट एम मेक्स ए राइट एम एक सही गोल बनाता है ठीक है राइट एम इज ऑलवेज ट्रू लिखना इज ऑलवेज ट्रू इज ऑलवेज ट्रू ये बच्चों सही आंसर है इसको लिख लेना ठीक है ऐसा आदमी जो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है एंड मेक्स ए राइट एम और अपने सही एम को बनाता है मतलब कि अपना सही एम बनाता है वह हमेशा क्या होता है सही होता है ठीक है वह हमेशा सच्चा होता है सही होता है बच्चों ठीक है तो इसे भी आप राइट कर लेंगे चलिए तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ अब चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का लिख लो थर्ड क्वेश्चन हाउ वुड यू विन ए गुड मैन्स नेम ए गुड मैन्स नेम आप एक अच्छे आदमी का नाम कैसे जीतेंगे ठीक है हाउ वुड यू विन ए गुड मैन्स नेम लिखना क्या बताया था बच्चों इसका जब हम हमेशा प्रयास करते रहें अच्छे के लिए तब हम क्या करेंगे हम एक अच्छे आदमी का नाम जीत लेंगे लिख लो इफ़ वी ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट इफ़ वी ऑलवेज ट्राई टू डू द लिखें बच्चों इसको द राइट इफ यू ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट एंड बेस्ट कॉमा वी विल विन वी ऑलवेज विन ए गुड मैन्स नेम यदि हम अगर हम अपना सबसे हमेशा सही और अपना सबसे अच्छा प्रयास करें तो हम हमेशा क्या करेंगे एक अच्छे आदमी का नाम जीतेंगे अब एक अच्छे आदमी का नाम जीतने का मतलब ऐसा नहीं कि आपका नाम दूसरा कर दिया जाएगा इसका मतलब लोग आपको अच्छा कहेंगे ठीक है कि हाँ ये लड़का अच्छा है ये लड़का बात मानता है सबकी ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई देखना क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है व्हाट आर द राइट थिंग्स दैट बॉयज आर टोल्ड टू डू वो सही चीज़ें क्या हैं जो लोगों को राइट चीज़ कहने के लिए जो बच्चों को कही जाती हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों बच्चों देखो बच्चों क्या बताया जाता है कि मतलब कि जो सही हो आप उसके साथ खड़े रहिए। ठीक है, और उसको ईमानदारी से बहादुरी के साथ उसको कहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, तुम इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर लिख लो फर्स्ट में नोबली लिख लो, नोबली स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रू। फर्स्ट लिखो, इसका आंसर है नोबली स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रू, जो सही है उसके साथ खड़े रहिए। सेकंड नंबर लिखो बोल्डली फाइट फॉर व्हाट इज ट्रू। सेकंड नंबर लिखो बोल्डली फाइट फॉर व्हाट इज ट्रू। जल्दी से लिख लो, हो गया होगा बच्चों, डिलीट कर देता हूँ मैं। कुछ नहीं बच्चों, देखो बहुत आराम से मैं लिखवा रहा हूँ, फिर भी आपका बहुत जल्दी से ही चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखना क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ राइट द राइमिंग वर्ड्स What's for the following? For the following. First है try. Second लिखेंगे write. R-I-G-H-T write. Third है nobly. Fourth है best. बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वही लिखिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वही लिखिए। चलो लिखो ट्राई का लिख लो क्राई। ट्राई का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, क्राई। ट्राई सेम टू सेम। राइट का लिख लो फाइट, FIGHT फाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राइट फाइट सेम टू सेम। नोबली का लिख लो बच्चों बोल्डली BOLDLY बोल्डली। नोबली बोल्डली सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बेस्ट का क्या लिखेंगे, बच्चों बेस्ट का लिख लेना। बेस्ट का लिखो गेस्ट,
बच्चों ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि आपके बुक में इसका राइमिंग ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो बेस्ट का गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस बच्चों नहीं आएगा, आपके लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर लिया है, आप नोट कर लीजिए इसे। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास कहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और भी चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम असेसमेंट करेंगे, थोड़ी सी आगे दी हुई है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।